का कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई। भाई बहन के स्नेह और सौहार्द से बना ये रिश्ता रक्षा बंधन कहलाता है। वैसे तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है, मगर यह दिन भाई और बहन दोनों के लिए उतना ही खास होता है। बहनें इस दिन अपने भाई की कलाई पर स्नेह भरी राखी बांधती हैं और जीवन भर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई भी इस दिन अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करता है। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष 17 अगस्त को दोपहर 3:42 से पूर्णिमा की तिथि आरंभ हो रही है, जिसके चलते 17 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। लेकिन इस दिन दोपहर 3:42 से मध्य रात्रि 3:28 तक भद्रा रहने के कारण रक्षाबंधन का पर्व 18 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसके चलते आप 18 अगस्त की दोपहर को 2:55 तक रक्षाबंधन मना सकते हैं, जो आपके लिए शुभ होगा। भद्रा को हिंदू धर्म शास्त्रों में सूर्य की पुत्री और शनि की बहन बताया गया है। शनि की तरह इसका स्वभाव भी उग्र है। इस स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही ब्रह्मा ने उसे कालगणना या पंचांग के प्रमुख अंगकरण में स्थान दिया है। इसलिए भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य, संस्कार या यात्रा की शुरुआत नहीं की जाती है, क्योंकि इसके नकारात्मक परिणाम आते हैं। इसलिए लोग भद्रा को छोड़कर मुहूर्त में शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। रक्षाबंधन के लिए मार्केट में कलरफुल राखियां सजनी शुरू हो गई हैं। इस बार शहर में 3D फोटो ब्रेसलेट, नेम ब्रेसलेट, कलीदे राखी में क्रिएटिविटी और डिजाइनिंग का डिफरेंट कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। रक्षाबंधन को और खास बनाने के लिए मार्केट में राखी थाली, कैश बॉक्स, गिफ्ट पैक और लिफाफे भी डिजाइनर आ रहे हैं। शहर के मॉल्स और ज्वेलरी शॉप से महिलाएं डिफरेंट कंसेप्ट की राखियां खरीदना पसंद कर रही हैं। 2 से 10 ग्राम सिल्वर में बनी इन राखियों में सिल्वर बीड्स का इस्तेमाल किया गया है। इनको ब्रेसलेट लुक दिया गया है, ताकि राखी के बाद इन्हें एक्सेसरीज के रूप में पहना जा सके। क्रिस्टल गोल्ड प्लेटेड और ट्रेडिशनल मोटिव्स में गणेश, शिव डिजाइन किए गए हैं। जड़ाऊ राखियों में पेंडेंट पैटर्न की राखी डिजाइन की गई है। इस तरह की राखी को पेंडेंट के रूप में भी पहन जा सकेगा। इस खास त्योहार को आप तक पहुंचाने के लिए हमारी संवाददाता निशा पंजवानी पहुंची शहर के व्यस्ततम मार्केट में, जहां बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही थी। चलिए देखते हैं इसका एक नजारा। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक कहे जाने वाला पर्व रक्षाबंधन का त्योहार करीब आते ही शहर का मार्केट सीताबर्डी मार्केट राखियों से सज गया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे राखियाँ सजी हुई है, राखियों की दुकान सज गई है। इस तरफ आप मेरे बाएं ओर देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं अपने भाइयों के लिए राखियों की पसंद कर रही हैं, राखियां देख रही हैं। तो चलिए अब जानते हैं, बात करते हैं दुकानदारों से कि क्या बढ़ोतरी हुई है इस बार राखियों के सीजन में। कितने सालों से आप यहाँ पे राखियों की दुकान? हमारा तो भी 6-7 सालों से चालू है राखी का, यानी 6-7 सालों से लगता है, हर साल लगता है राखी का हमारा। और ऐसा है, राखी का हमारा 2-3 काउंटर है, एक ये है बाजू में है, सभी की दुकान है, सभी के 5-6 सालों से लग रहे हैं। बस स्टार्टिंग रेंज कितने से स्टार्ट हो रही है? हमारा रेंज है 10 रुपीज से लेके 200 तक, 10 रुपए से 200 रुपए तक चालू है रेंज। और डिस्काउंट भी करते हैं हम, थोड़ा कम ज़्यादा कर देते हैं उसमें। अच्छा, इस बार कौन सी नई वैरायटी आई है राखी में, क्या आप हमको दिखा सकते हैं? सेफ मोर वाली वगैरह आई है, ये सब नया पैटर्न आया है इस टाइप में, ये सब नया चल रहा है अभी। कॉमन इज द स्टोन वगैरह कॉमन है, इस टाइप के थोड़ा सा फैंसी वगैरह आया है, फैंसी आइटम इस टाइप में। और बच्चे जिस तरह से अगर कार्टून वाली राखियां पसंद करते हैं, तो उनके लिए इस बार कौन से नए कार्टून्स की रेंज में राखियां आई हैं? इस टाइप में आए गुलेरो वगैरह, इस टाइप में डोरो, ये अभी लेके आया बच्चों की वगैरह, डिफरेंस है ना, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, सबको हाथ बताते हैं ये देखो राखी आई। सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे कौन सी राखियों की ज्यादा डिमांड? बच्चों की ज्यादा डिमांड रहती है, और बच्चों का है, और जैसा फैंसी वगैरह थोड़ा सा उस टाइप में, हर बहन चाहती है भाई को अच्छी राखी बांधे, हर धागा बांधे, ऐसा रहता है। चलिए ठीक है, बहन तो अपने प्यार से राखी के इस पवित्र बंधन रक्षा बंधन में
लेती हैं राखियां, तो आप अपनी बहनों को रक्षाबंधन पे क्या संदेश देना चाहोगे? हम अपने बहनों को बोलेंगे बस हमारी उम्र रक्षा हमारी बहनों को और हमारी उसकी हर मुसीबत हम लोगों पे आ जाए, बाकी हमारी बहनों को अच्छा भगवान रखे। बहनों का जो बंधन है बहुत प्यारा बंधन है, हर व्यक्ति को इसमें बहुत अच्छा, मतलब जो धागा बनता है अपने हाथों में उसकी बहुत कदर करना चाहिए बहन को, क्योंकि ये बहन बहुत उमंग से ये राखी का धागा बांधती है कि भाई भाई है मेरा, ऐसा बहन के अंदर रहता है कि भाई ये भाई का प्यार है, इसलिए हम लोग बोलते हैं आओ बहनों भाइयों का प्यार उठाओ, ऐसा है। थैंक यू। इनका तो अपने बहन के प्रति प्यार हमने देख लिया, क्या आपको अपनी बहन के लिए कोई संदेश देना है? वही भैया ने जो दिए, अच्छी रहे मेरी बहन, हमारी दुआ उसके साथ, बस भगवान से यही उम्मीद करते हैं हर बहनों हर भाई, हर साल त्योहार ऐसे ही चले चलते रहना को। ये हिंदुस्तान के अंदर ये जो रस्म है ये बहुत प्यारी रस्म है। चाहूंगी राखियों में इस बार बढ़ोतरी आई है क्या दामों में? ऐसा देखो बढ़ोतरी का बोले तो हर चीज में बढ़ोतरी है, ऐसा है ना मैडम जी, डीजल पेट्रोल महंगा रहेगा तो हर चीज महंगी रहती है, ऐसा है सभी चीजों में बढ़ोतरी रहेगी, जरूरी नहीं राखी में, वो 10-5 का अंतर तो चलते ही रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे राखियों के मार्केट सजे हुए हैं, बहनें यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स भी अपने भाइयों के लिए राखियाँ खरीदने आई हैं। आइए जानते हैं महिलाओं से कि इस बार उनकी पसंद क्या है। मैम इस बार आप कौन सी तरह की राखियाँ पसंद? राखियाँ तो नई नई देख रही हूँ लेकिन है तो देखना है नई कौन सी है। तो अच्छा, अपने भाई के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश क्या देना है भाई के लिए, रक्षाबंधन के लिए क्या है? जैसे कि हम रक्षाबंधन पे मिठाइयाँ लेते हैं राखी लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये नारियल का भी रक्षाबंधन में काफी अच्छा प्रतीक माना जाता है, काफी शुभ माना जाता है इसे, तो अब जानते हैं इनसे कि इसमें इस बार क्या ग्राहकी चल रही है। आंटी जी आप बताइए कि ना ये कितने दाम में आप? हम 15 में और 12 में बेच रहे हैं, 10 में भी बेच रहे हैं अभी। हाँ, राखी तक ही कितने दिनों तक ही इसकी ग्राहकी सबसे ज्यादा देखी जाती है? हाँ, राखी में जितने दिनों में कितनी ग्राहकी आपके यहाँ देखी जाती है? बहुत कम है अभी, इस बार धंधा हमारा धंधा 2-3 दिन पहले होता है खाली, और अभी इस बार बहुत ठंडा है धंधा। अच्छा, इसके साथ साथ आपने राखियाँ भी रखी हुई हैं, आप हमें दिखा सकते हैं? हाँ, ये रखे है, मैं ऐसा छोटा सा धंधा करती हूँ राखी का, नारियल के बराबर कर लेती हूँ थोड़ा सा ये धंधा बस। अच्छा, इसके अलावा आप बताइए अपने भैया के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? हमारे भैया के लिए शुभ शुभ बधाई हो उसको, हर साल जिए, हमारे दो भाई गुजर गए और हमारा एक ही भाई है, वो अच्छी उम्र हो अच्छा रहे। आप बताइए इस बार अपने भाई को आप रक्षाबंधन पे क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि भाई बहन का जो रिश्ता रहता है वो एक बंधन का रहता है, इसलिए भाई ने बहन के लिए यानी कुछ लेने देने की ज़रूरत नहीं है, खाली बहन की रक्षा करना चाहिए बस, सुख दुख में उसके काम आना चाहिए बस। अच्छी देख रही हूँ मैं, थोड़ा सा उसके यानी हाथ में सूट हो जाए ऐसी देख रही हूँ। बड़ी का ये मार्केट वैसे तो साल भर ही काफ़ी व्यस्त रहता है, साल भर ही इसी तरह की गर्दी यहाँ पर देखी जा सकती है, लेकिन रक्षाबंधन जैसे ही समीप आया है वैसे ही यहाँ पर राखियों की दुकानें सजने लगी हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बड़ी क्षेत्र की राखी की दुकान में, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की राखियाँ इस बार यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ यहाँ पर ये है गणपति नमा यहाँ बना हुआ है राखी में, इसकी क्या प्राइस है? 30 रुपीज़ की प्राइस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्टून की भी राखी यहाँ पर मौजूद है जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आती है, और बच्चे राखी की इस तरह की कार्टून वाली राखियाँ काफ़ी पसंद करते हैं। तो दूसरी तरफ आप ये मोतियों वाली राखी काफ़ी अच्छी लगती है जो कि बहुत ही चुनिंदा लोगों की पसंद रहती है, ये मोतियों की राखी भी इस बार नई है यहाँ पर। और भी इसके अलावा ये मोर पंख वाली राखियाँ ये भी काफ़ी पसंद की जा रही हैं जो कि लोगों को पसंद आती हैं, या इसमें मोर बना हुआ है जो कि हम कृष्ण जी को भी बांधते हैं, तो इस तरह की राखियाँ यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं यहाँ के दुकानदार से कि किस तरीके से मार्केट चल रहा है राखियों का, किस तरह से मार्केट चल रहा है और कितने सालों से आप यहाँ पर राखियों का मार्केट लगा रहे हैं?
कम से कम हमको मार्केट का यहाँ 18 साल हो गए हैं, ये साल ज़रा डाउन है। वो प्रॉब्लम इसलिए कि राखी इस साल बहुत महंगी है, महंगी के साथ साथ ऊपर से पब्लिक में भी फर्क आ गया है। कैसी आपकी दुकान पर कैसे चल रही है राखियाँ? ठीक है, बोलना वैसे तो एकदम सोल भी नहीं है, अच्छा है। राखियों में कोई नई तरह की वैरायटी आई है? है ना, बहुत है, प्लेट है, क्रिस्टल में है, मोती में है। ये खासकर तो मारुड़ियों में पहना जाता है, उनमें 200 रुपये तक राखी चलती है एक सिंगल पीस, और उसमें नेक्स्ट कपल्स राखी चलती है, कपल्स राखी भैया भाभी की, और उसमें दूसरे लुम्बे जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो जैसे कि हमने अभी तक ही देखा, तो अब जानते हैं कि इस बार महिलाएं अपने भाई के लिए किस तरह की राखी पसंद कर रही हैं। मैडम आप क्या देख रहे हैं, इतने देर से हम आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको जो राखी मिल चाहिए वो आपको मिल नहीं रही है क्या? नहीं नहीं, जो भाई को पसंद है ऐसी पसंद लेना है ना। कैसी पसंद है आपके भाई की? ऐसी सिंपल में से, लेकिन फिर भी कुछ अलग से। कुछ अलग से यानी मतलब मोर पंख वाली चाहिए, मोती वाली चाहिए, किस तरह की चाहिए? मोती वाली चाहिए ना। चलो मैंने आपको बता भी दिया किस तरह की आपके भाई की पसंद है, हो सकता है मेरा भी उनसे बहन वाला ही रिश्ता हो पहले पुराने जन्म का। तो आप अपने भैया को इस बार रक्षाबंधन पे क्या संदेश देना चाहोगे? क्या संदेश देना चाहोगे भाई को आप? बस यूँ ही हमेशा रक्षा करते रहना, हमेशा भाई बहन का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले देखा था आपको गाने का भी शौक है, आप प्लीज़ बताइए इस बार रक्षाबंधन पे आप अपने भाई को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहोगे? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। इनका ये गाना सुन के कहीं ना कहीं मेरी आंखें भी नम हो गई और मुझे भी मेरे भाई की याद आ गई। इसी के साथ मैं यहाँ से लेती हूँ विदा, आप रखिए अपना ख्याल और बनाए रखिए अपना रक्षाबंधन गुलसा। कैमरा पर्सन करण सिंह ठाकुर के साथ निशा पंजवानी, बीसी न्यूज़ नागपुर। तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल। मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई।